जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ का परिवार हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कृष्णा श्रॉफ तो अपनी खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोस के लिए सुर्खियों में रहती हैं। आजकल कृष्णा वेकेशंस पर मालदीव गई हुई हैं और उनकी कातिल तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं। बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ का परिवार हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जैकी और टाइगर तो फिर भी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए चर्चा में रहते हैं, मगर कृष्णा श्रॉफ तो अपनी खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोस के लिए सुर्खियों में रहती हैं। आजकल कृष्णा वेकेशंस पर मालदीव गई हुई और उनकी कातिल तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। कृष्णा श्रॉफ मालदीव से लगातार अपने खूबसूरत वीडियोस और फोटो शेयर कर रही हैं। संडे को अपनी स्कूबा डाइविंग वाली तस्वीरों और वीडियोस के बाद सोमवार 15 मार्च को कृष्णा ने मालदीव के रिजॉर्ट में टू पीस बिकनी में शावर लेते हुए तस्वीरें शेयर की। ऐसा लगता है कि कृष्णा ने ये शावर स्कूबा डाइविंग के बाद लिया था, क्योंकि इन फोटोज में वह उसी टू पीस में दिख रही हैं जिसमें उनके वीडियो स्कूबा डाइविंग करते हुए सामने आए थे। बता दें कि इससे पहले कृष्णा ने 14 मार्च रविवार के दिन कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इन वीडियो में कृष्णा श्रॉफ बिकनी में स्कूबा डाइविंग करती नजर आ रही थी। इन तस्वीरों और वीडियो में कृष्णा किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी। बीते साल 2020 में आखिर में कृष्णा श्रॉफ के अपने बॉयफ्रेंड एवन के साथ ब्रेकअप हो गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था, आप सभी फैन क्लब के बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे एवन के साथ टैग करना बंद करें। अब हम साथ नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को एक साथ जोड़ना बंद करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह कितना पब्लिक था। धन्यवाद। तो क्या कहना है आपको कृष्णा श्रॉफ के शावर के बारे में? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।